काहिल लड़की और मेहनत कश लड़की। एक दूर दराज के गांव में एक घर था, घर जिसमें एक मियां बीवी रहते थे। दोनों की ही एक एक लड़की थी अपनी पहली शादी से। बीवी अपने खुद की बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देती और कभी काम की फरमाइश नहीं करती थी। इस तरह उसकी लड़की काहिल हो गई थी। वो दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती और आराम पसंद हो गई थी। दूसरी तरफ वो खातून अपनी सौतेली बेटी से बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो उठो और घर की सफाई करो। लेकिन अम्मी, मैंने आज सुबह ही पूरा घर साफ किया है। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मेरे हुक्म की तामील करो। ठीक है अम्मी। वो खातून उससे पूरा काम करवाती, लेकिन फिर भी लड़की कोई शिकायत नहीं करती थी। वो एक ही काम मुसलसल करती रहती, कभी थकती नहीं थी। उसका वालिद ये सब देखता, अपनी बेटी के लिए उसके दिल में दर्द उठता, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वक्त के साथ साथ वो बहुत कमजोर हो गया था और सेहतमंद नहीं रहा। मेरी अजीज बेटी, मैं बहुत लाचार हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नहीं अब्बा, आप दुखी ना हो। आपने जिंदगी भर मेरी परवरिश की है और मुझसे मोहब्बत की है। अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। मैं काम करूँगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। हमारे लिए ये मुश्किल का दौर है, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। बीवी खामोशी से ये सब देखती रही। मैंने इसकी बाबत क्यों नहीं सोचा? मुझे उसे बाहर भेजना चाहिए किसी दौलतमंद घराने में काम करने के लिए। मैं उसे बाहर भेजूंगी दौलत कमाने के लिए, और वो जो कुछ भी कमाएगी वो मेरा होगा। मैं और मेरी बेटी शान से वो जिंदगी बिताएंगे जिसके हम ख्वाहिशमंद रहे। तुमने दुरुस्त फरमाया, तुम्हारे अब्बा बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। तुम्हें मालूम है दूसरे भी खर्चे हैं। तुम बाहर जाकर किसी दौलतमंद घराने में काम क्यों नहीं करती? तुम एक अच्छी खादिमा बन सकती हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इसके बजाय तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती? मैं जरूर भेजती। तुम्हें तो मालूम है कि वो अपने खूबसूरत हाथों और नाजुक पाँव की बाबत हमेशा फिक्रमंद रहती है। उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी अगर उसे काम करना पड़ा। वैसे भी तुम्हारी बेटी कोई खास खूबसूरत नहीं है, उसे काम के लिए बाहर भेजने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अब तयशुदा है, कल सुबह तुम रवाना होगी किसी दौलतमंद घराने में काम की तलाश के लिए। ओह, वो खूबसूरती की बाबत क्या जाने, तुम्हारे लिए काम करना लाजमी नहीं मेरी बच्ची। नहीं अब्बा, मैं काम करना चाहती हूँ। अपने फर्ज को दरकिनार करने पर कुछ हासिल नहीं होता। आप फिक्र ना करें, आपने मुझे अच्छी परवरिश दी है। मैं जानती हूँ एक दिन मेरे जतनों का सिला मिलेगा। अगले दिन वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई। एक दौलतमंद घराने में काम की तलाश में वो निकल पड़ी। उसकी सौतेली माँ ने सफर के लिए उसे खाना पीना कुछ मुहैया नहीं कराया, पर उस लड़की ने एतराज नहीं किया। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा, और ये याद रखना, कोई भी अगर मदद मांगे तो उसे इनकार मत करना, और मेहनत करते रहना। कुछ भी करो, उसे दिलो जान से करना। हाँ, मैं ये याद रखूंगी अब्बा। और वो बेटी रवाना हुई। वो पहाड़ दर पहाड़ पैदल चलती गई, उसे कुछ नहीं मिला। वो कई दिन तक चलती रही पर कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसने वो याद रखा जो उसके अब्बा ने उससे कहा था, कोई भी अगर मदद मांगे तो उसे इनकार मत करना, और मेहनत करते रहना। कुछ भी करो, उसे दिलो जान से करना। इस वक्त मुझे अपना पूरा ध्यान लगाना है काम की तलाश में। मेरे लिए यही करना लाजमी है, और मैं इसे दिलो जान से करूंगी। चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे एक बोलने वाला दरख्त मिला। वो पूरी तरह मुरझाया हुआ था। कैसी हो बच्ची? लगता है तुम कहीं जा रही हो। मेरी मदद करोगी मेरी सूखी टहनियों से मुझे छुटकारा दिलाने में? बदले में मैं तुम्हारे लिए नेक काम करूंगा। ओह, यकीनन। लड़की फिर दरख्त पर चढ़ी और अपने हाथों से तमाम सूखी टहनियों को तोड़ दिया। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो दरख्त सूखी टहनियों से पूरी तरह निजात नहीं पा गया। अब वो नए पत्ते और फल के काबिल हो गया था। दरख्त ने उसका शुक्रिया किया और लड़की वहाँ से आगे बढ़ी।
थोड़ी दूर जाकर उसे एक मुरझाई हुई अंगूर की बेल मिली। उस अंगूर की बेल के साथ ही एक अजीब सा फावड़ा था। अंगूर की बेल ने लड़की से गुफ्तगू की। आदाब, क्या तुम मेरी जड़ों के इर्द गिर्द खुदाई करोगी? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूंगा। लड़की ने फावड़ा लिया और वो गुड़ाई करने लगी। वो गुड़ाई करती गई जब तक कि उसकी हथेलियां सूज न गई। ओ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा। कोई बात नहीं, वो अच्छे हो जाएंगे। तुम जरूरतमंद थे और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अंगूर की बेल ने उसे शुक्रिया कहा और लड़की वहाँ से आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे मिली एक टूटी हुई भट्टी और उसने लड़की को आवाज दी। सुनो ए लड़की, क्या तुम मेरी सफाई करके मेरी मरम्मत करोगी? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूंगा। लड़की ने देखा कि उस भट्टी में बहुत सी दरारें थी। उसने कुछ वक्त तक सोचा, फिर वो थोड़ी मिट्टी लाई और उसे अपने पैरों से साना। फिर उसने वो मिट्टी तमाम दरारों को भरने के लिए इस्तेमाल की और भट्टी अब पहले जैसी नई हो गई। शुक्रिया, पर तुम्हारे हाथ और पांव मैले हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें पानी से धो सकती हूँ। तुम्हें जरूरत थी और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। फिर वो लड़की आगे बढ़ी और थोड़ी दूर आगे जाकर उसे मिला एक कुआं। कुएं ने उससे बात की। आदाब, क्या तुम मुझे बासी पानी से निजात दिलाकर मुझे दुरुस्त करोगी? और बदले में मैं तुम्हारे लिए कोई नेक काम करूंगी। लड़की ने सारा बासी पानी बाहर निकाला और कुएं को धोकर साफ किया। तुम्हारा सारा लिबास बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, मैं उन्हें धो सकती हूँ। तुम्हें जरूरत थी और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। कुएं ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो लड़की आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने एक बहुत ही प्यारी धीमी आवाज सुनी जो एक कुत्ते की थी। कुत्ता मिट्टी में सना हुआ था और उसके लंबे लंबे बाल थे। क्या तुम मेरे बाल काटोगी और मुझे दरिया में गुसल करवाओगी? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूँगा। लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब वो कुत्ता बहुत खुश और सेहतमंद लग रहा था। उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया। लड़की ने खुद भी दरिया में गुसल किया और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। वो एक घर के करीब आई जहाँ सात परियां रहती थीं। दखल के लिए माफी चाहूंगी, पर बाहर बहुत अंधेरा है। क्या आज रात मैं रुक सकती हूँ? तुम जा कहाँ रही हो? मैं काम की तलाश में हूँ। अच्छा, ये बात है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ काम क्यों नहीं करती? यहाँ सात कमरे हैं, तुम्हें तमाम छह कमरे रोजाना साफ करने होंगे। पर याद रखना, कभी भी सातवें कमरे में दाखिल मत होना। क्या तुम्हें मंजूर है? ओह, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। शुक्रिया, आपके हुक्म पर अमल करूँगी। और उस लड़की ने ऐसा ही किया। वो रोजाना उठती और तमाम छह कमरों की साफ सफाई करती। उसने कभी सातवें कमरे की ओर नहीं देखा। एक साल गुजर गया और लड़की ने काफी पैसा कमा लिया। अब वो अपने बीमार बाप के पास वापस जाना चाहती थी। जाने से पहले हमें ये बताओ कि तुम सातवें कमरे को देखने की बाबत बेताब क्यों नहीं थी? मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था कि मैं हमेशा अपने फर्ज को निभाऊं। जब तक मैंने यहाँ काम किया, मेरा फर्ज था कि मैं आपका हुक्म मानूं। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए बच्ची। तुम्हारी मेहनत कशी से हम बहुत मुतासिर हुए हैं। मेरे साथ आओ, तुम्हें सिला मिलने का वक्त आ गया। पर यहाँ लड़की को सातवें कमरे में ले गई। वहाँ अंदर सोने और चांदी की मोहरों के ढेर लगे हुए थे। वहाँ जाओ और उन सिक्कों पर लोटो। जो भी तुम्हारे साथ चिपके वो तुम्हारा हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उससे कहा गया। वो सोने के सिक्कों के ढेर पर लोटी और फिर चांदी के सिक्कों के ढेर पर। वो एक सितारे की तरह चमकने लगी क्योंकि सभी सिक्के उससे चिपक गए थे। उसने हाथ हिलाकर परियों को अलविदा कहा और चल पड़ी। वापसी की राह पर उसे वो कुत्ता मिला जिसे उसने गुसल कराया था। अब उस कुत्ते पर मोती लटक रहे थे, लंबे बाल नहीं थे। इधर आओ लड़की, तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। आओ और जितने भी मोती तुम्हें चाहिए वो ले लो। लड़की ने अपने हाथ पांव और गले में मोतियों की हार लपेट ली। उसने कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे वो कुआं मिला जिसे उसने साफ किया था। इधर आओ लड़की, तुमने मेरी मदद तब की थी जब मैं जरूरतमंद थी। आओ मेरा पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। वहाँ बहुत सी सुराहियाँ रखी थी मुसाफिरों के लिए। लड़की ने एक सुराही ली।
उसे पानी से भरा और जी भर कर पानी पिया। उसने कुएं का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली। थोड़ी दूर जाकर उसे वो भट्टी मिली जिसकी उसने मरम्मत की थी। इधर आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। आओ ये ताजी डबल रोटी और केक नोश फरमाओ। तो उस लड़की ने जी भर कर खाया और कुछ अपने अब्बा के लिए लिया। फिर उसने भट्टी का शुक्रिया अदा किया और वो वहां से चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे वो अंगूर बेल मिली जिसकी उसने गुड़ाई की थी। इधर आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। आओ और ये अंगूर का रस पियो। तो उस लड़की ने जी भर कर रस पिया और अपने अब्बा के लिए कुछ ले लिया। उसने अंगूर की बेल का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ी। आगे जाकर उसे वो दरख्त मिला। दरख्त हरा भरा था और उस पर ताजी ताजी नाशपतियां लगी थी। आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। आओ और ये ताजा नाशपतियां खाओ। लड़की ने जी भर कर नाशपतियां खाई और अपने अब्बा के लिए कुछ ले ली। उसने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल पड़ी। जब वो घर वापस आई, वो अपने अब्बा को देखकर खुश थी। अब वो बीमार नहीं थे। वो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनकी तरफ दौड़कर गई और उनसे लिपट गई। जब उसकी माँ वहाँ आई तो अपने शौहर को सेहतमंद और बेटी को दौलतमंद देख कर वो हैरत में पड़ गई। वो सर से पांव तक सोने और चांदी में लिपटी थी और भी बहुत कुछ था उसके पास। माँ को नजरअंदाज करके बाप और बेटी अंदर चले गए। सौतेली माँ को अब ये पता चल गया था कि उसका शौहर उसे उसमें से कुछ भी नहीं लेने देगा। उसने फौरन अपनी बेटी को तलब किया और उसे कहा कि जाकर एक दौलतमंद घर में काम की तलाश करे। सुनो अब तुम्हें उससे ज्यादा पैसा कमाना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। उसे मोती मिले हैं, तुम्हें जवाहरात मिलेंगे। बेटी ने माँ से अलविदा कहा और वो चलने लगी। वो ज्यादा दूर नहीं चली थी जब वो एक दरख्त के पास आई जो पूरी तरह मुरझाया हुआ था। दरख्त ने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी सूखी टहनियों से छुटकारा दिलाए। ओह, क्या बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी सूखी टहनियों के लिए अपने खूबसूरत हाथों और पैरों को गंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक मुरझाई हुई अंगूर की बेल मिली जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी जड़ों के गिर्द गुड़ाई करे। इस तपती धूप में मैं अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों को कभी गंदा नहीं करूंगी तुम्हारी मुरझाई हुई जड़ों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वहाँ से आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे मिली एक टूटी हुई भट्टी जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी मरम्मत करे। मैं अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से आगे चलकर उसे मिला एक कुआं जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी सफाई करे। तुम पानी का कुआं हो, खुद को खुद साफ करो। मैं अपने खूबसूरत हाथों और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से आगे जाकर उसे मिला एक कुत्ता जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसे गुसल करवाए। पर वो लड़की चीखती हुई भाग गई क्योंकि उसे अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों को गंदा नहीं करवाना था। थोड़ी आगे जाकर उसे मिला एक घर जहाँ वो रात बिताना चाहती थी। वो घर था उन सात परियों का। पहले की तरह ही परियों ने उससे कहा कि वो एक साल तक वहाँ रहे और छह कमरों को साफ करे। पर याद रखो, सातवें कमरे में दाखिल मत होना। लड़की मान गई। हर रोज वो उठती और तमाम छह कमरों को साफ करती। पर जल्दी ही उसकी बेताबी उस पर हावी हो गई और वो सातवें कमरे में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था और सोने और चांदी की मोहरों की बजाय वहाँ मेंढक और शहद की मक्खियाँ थी। उन्होंने उसे बुरी तरह डसा और वो जख्मी हो गई। परियों के वापस आने का इंतजार किए बिना ही लड़की वहाँ से भाग गई। वापसी की राह पर उसे वो कुत्ता मिला जो मोतियों से ढका था। वो उसके पीछे भागी ताकि कुछ मोती बटोर सके, पर कुत्ता गायब हो गया। आगे जाकर उसे वो कुआं मिला जिसे साफ करने से उसने इनकार किया था। जैसे ही पानी पीने वो नीचे झुकी, पानी और नीचे सरक गया जहाँ तक उसका हाथ न पहुँच सका। थोड़ा आगे जाकर उसे वो भट्टी मिली जिसकी मरम्मत करने से उसने इनकार किया था। वहाँ ताजी डबल रोटी और केक पड़े थे, पर जैसे ही लड़की ने उसे छूने की कोशिश की, उसके हाथ जल गए। थोड़ी दूर जाकर उसे वो अंगूर बेल मिली जिसकी गुड़ाई करने से उसने इनकार किया था। वो बहुत प्यासी थी, पर बेल ने उसे पीने के लिए अपना रस नहीं दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे वो दरख्त मिला जिसकी मदद करने से उसने इनकार किया था। वो हरे भरे पत्तों और नाशपतियों से लदा था।
پر جیسے ہی ناشپتی تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی، درخت اونچا ہو گیا اس کی پہنچ سے باہر۔ وہ لڑکی پھر وہاں سے چلی گئی واپس اپنے گھر، اپنی ماں کے پاس جو دروازے پر کھڑی تھی سونے اور جواہرات کی امید میں، پر اس کی بیٹی لوٹی زخموں سے بھری ہوئی اور گندے کپڑوں میں۔ دیکھا تم نے، کاہل تمہیں کچھ نہیں دیتی، صرف ایک حلیم اور ایماندار دل ہی صلہ دیتا ہے، اور تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ بیوی اور اس کی بیٹی نے گھر چھوڑ دیا۔ باپ اور اس کی محنتی بیٹی اب پھر سے راضی خوشی رہنے لگے۔